अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं वली रईस, रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से एक बार फिर हाज़िर हूँ। नाज़रीन, कुछ ऐलानात मैंने किए थे कि कराची की फिल्मों पर, कराची की सिनेमाओं पर मैं बात करूँगा, लेकिन चूँकि ये सिलसिला चल रहा है शायद की फिल्मोग्राफी, तो मैं उसको आगे कंटिन्यू जाता हूँ। लेकिन 1975 का जो सिलसिला मैंने जहाँ रोका था, वो आखिर में मैंने फिल्म ऐवान का गाना चलाना था, लेकिन जानबूझ के मैंने उसको रोका, ताकि 1976 में जब आऊँगा तो उस गाने से स्टार्ट करूँगा। वो गाना था जी नाज़रीन, मैंने गाना इसलिए रोका क्योंकि 1976 में जो शायद की जो बिगिनिंग हुई फिल्मों की, वो तीन पंजाबी फिल्मों से हुई। मैं पंजाबी फिल्म पे नफरत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी फिल्में रिलीज हुई जो शायद को नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि उस वक्त शायद की गुड्डी उड़ी हुई थी, हर कोई शायद को कास्ट करना चाह रहा था, तो शायद भी धड़ाधड़ फिल्में ले रहे थे और उस पर शूटिंगों में काम कर रहे थे, और शायद पे जो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि शायद इधर उधर भागता है, लेकिन शायद की फिल्मों की तादाद मुसलसल बढ़ रही थी और शायद मुसलसल फिल्मों में काम कर रहे थे। जी हाँ, तो 1976 की जो सबसे पहले जो तीन फिल्में रिलीज हुई हैं, वो तीनों पंजाबी फिल्में, उसमें है एक दुगला, एक अंजाम, एक कोटे टपनी। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अंजाम थोड़ी बेहतर थी, उसमें बाबर शरीफ और बनवर शरीफ भी थे, लेकिन ये तीनों फिल्में नाकाम गई। लेकिन 1976 में तीन पंजाबी फिल्मों के बाद एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म रिलीज हुई, जी हाँ, नज़ीर अजमेरी की कहानी को एस सुलेमान ने दोबारा आगा हसन इम्तिसार से लिखवाया, वो फिल्म थी तलाक। इस फिल्म के गाने सारे सुपरहिट थे, खाकम बदहन खूबी बया हूँ शबाब की, कदमों में तेरे जीना मरना, और फिर सालगिरह का गाना, ये एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी। इसमें शबनम और शायद नजमा लहरी, संतोष कुमार ने बेहतरीन किरदार निगारी की थी, और मुझे यकीन था कि ये फिल्म सुपरहिट जाएगी, जैसे और भी घरेलू फिल्में हैं, ख़वातीन ने इस फिल्म को भी हाथों हाथ लिया, लेकिन ये फिल्म मतलूबा नतायज हासिल ना कर सकी, और बहुत अच्छी फिल्म थी। जी हाँ, फिल्म थी तलाक। मुझे तलाक दे दो, तलाक के बाद एक और पंजाबी फिल्म, जी हाँ, दुक्की तिक्की, एक नाजली और इस किस्म के डांस से भरपूर एक फिल्म थी। और इसके बाद एक और पंजाबी फिल्म, बहुत खूबसूरत फिल्म, दिलजीत मिर्जा की वारदात रिलीज हुई। इस फिल्म में सबिया खानम ने भी किरदार अदा किया था, इस फिल्म में तमन्ना भी थी, सुधीर मेन रोल कर रहे थे, नीलो भी, और बहुत अच्छी फिल्म थी। अब वारदात के बाद जो एक फिल्म रिलीज हुई, जिसे मैं ट्रेंड सेट फिल्म कह सकता हूँ, कि इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जान मोहम्मद थे। जान मोहम्मद ने इससे पहले दिलनशीन और सहरे के पुल बनाई थी, वो फिल्में नाकाम गई। उसके बाद दिलनशीन बनाई उमर जानदा को कॉपी करके इकबाल अख्तर से, वो भी नाकाम गई। फिर इकबाल अख्तर को लेकर उसने पर्दाना उठा बनाई, वो सुपरहिट फिल्म। फिर जान मोहम्मद की शायद से दोस्ती हो गई, फिर शायद और जान मोहम्मद की बहुत सी फिल्में एक साथ आई, कुछ अच्छी और कुछ गैर अच्छी। जी हाँ, और देखा जाएगा वो फिल्म है जिसकी कहानी बिल्कुल मुनफरद थी, और इस फिल्म में जमशेद अंसारी का बेहतरीन रोल था। शायद इस फिल्म में तीन रोल शायद ने किए थे। और बाबर शरीफ भी थी, इसके गाने भी बहुत मशहूर थे, प्यार कभी करना न कम मर जाएगी तेरी आश, लेकिन इस फिल्म में पहली बार मधुश्री ने अंग्रेजी में जो गाना गाया था, व्हाट्स टुडे व्हाट विल बी टुमारो डोंट थिंक, व्हाट्स टुडे व्हाट विल बी टुमारो डोंट थिंक, सिंग विद मी डाई विद मी ह्यूमैनिटी, और बहुत खूबसूरत गाना था। इसमें शायद ने बाबरा शरीफ ने बहुत अच्छी अदाकारी की थी, एक बहुत इंटरटेनिंग फिल्म थी, और इस फिल्म ने कोहिनूर सिनेमा में अच्छा बिजनेस किया। इस फिल्म को जो बिजनेस करना था वो कोहिनूर सिनेमा में वो नहीं कर सका। अगली फिल्म है सुधीर और शायद की दोस्ती की, वो फिल्म थी याराना। ये एक पंजाबी फिल्म थी, ब्लैक एंड वाइट फिल्म, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल ना कर सकी। उसके बाद जो फिल्म आ रही है वो है आंसू के बाद दो आंसू, ऐसे बुखारी नज़ीर अली की और रियाज अरशद की कहानी, एक बहुत बेहतरीन कहानी, क्लासिक कहानी। इसमें दीबा नदीम शबनम ने जिंदगी का बेहतरीन रोल अदा किया, इस फिल्म ऐसे मेहमान किरदार अदा किया था शायद ने, खर्चा खर्चा
और ये फिल्म उस वक्त जब रिलीज हुई जब रेवाली और नशेमन में अनाड़ी और पहचान बहुत सुपरहिट जा रहे थे और दो आंसू के साथ सच्चाई फिल्म आई। अब शबनम और नदीम की दो फिल्में वो सुपरहिट जा रही हैं, इसके साथ भी नदीम और शबनम ही थे और इस फिल्म को दो आंसू को सिनेमा नहीं मिल रहे थे तो ये कराची के बदनाम सिनेमा, लेकिन शुरू में बहुत अच्छा सिनेमा था, लेकिन इस दौरान यहाँ कुछ अंग्रेजी फिल्में भी चलती थी तो एक बदनाम सिनेमा रेनो में इसकी नुमाइश हुई और मैंने भी इस फिल्म को मजबूरन रेनो सिनेमा के बड़े खूबसूरत स्क्रीन में देखा था। फिल्म थी दो आंसू और इस फिल्म के गाने बहुत मशहूर थे, प्यार के नाम पे कुर्बान है दुनिया सारी और लो आ गई बाहर। लो आ गई बाहर आया सुहाना। बहुत खूबसूरत फिल्म, ये फिल्म तकरीबन गोल्डन जुबली कर गई थी वो भी रीनो सिनेमा में, ये फिल्म के लिए बड़ी बात थी। दो आंसू के बाद जो एक फिल्म जिसका मैं जिक्र करता हूँ वो हसन तारिक की फिल्म थी और ये समझ लो कि दीदार का तसलसल था, सुरैया भोपाली। इस फिल्म में भी वहीद मुराद, शाहिद, रानी का प्यार था और बल्कि तकोन था और ये फिल्म बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन ये गुलकारों पे थी, ये मैनाज की एज ए गुलकारा पहली फिल्म थी, हमीद की मुजी की। इस फिल्म के भी गाने बहुत अच्छे थे, था यकीन के आएंगी रातां कभी, नाम हाय ना तेरा प्यार की रसवाई में। लेकिन ये फिल्म चूँकि फरसुदा सी कहानी थी, इस फिल्म की कहानी में कोई जान नहीं थी, डायरेक्शन, सेट डिज़ाइनिंग, म्यूजिक की सब अच्छी थी, इसलिए ये फिल्म नाकाम गई। लेकिन ये कहानी इंडिया वालों को इतनी पसंद आई कि इंडिया वालों ने इसी गाने को इसी तलफ़ के साथ बिल्कुल डिटो कॉपी किया सलमागा को लेकर। सुरैया भोपाली के बाद फिर शायद की तीन पंजाबी ब्लैक एंड वाइट नाकाम फिल्में। जी हाँ, ट्रक ड्राइवर, पत्थर ते मोती और क्लब डांसर, जाहिर है ये फिल्में तो नाकाम जाएंगी। अब इन फिल्मों के बाद एक और अल्लाह गुल्ला टाइप की फिल्म, जी हाँ, खलीफा नज़ीर वालों की जुमर पिक्चर्स वालों की फिल्म थी। इस फिल्म में तीन हीरो थे, अकबर, बदर मुनीर और शाहिद। इन तीनों के मौजूदगी में नाजली और नजमा के गाने, बहुत वल्गर किस्म के गाने और बहुत सुपरहिट फिल्म थी। इसमें मुसरत शाहीन भी थी और इस फिल्म के सारे गाने अच्छे थे, लड़की हसीन है लड़का नौजवान है, सिकाई के इन कीमती तोहफों की चमक के सामने तुम्हारी मोहब्बत का रंग फीका पड़ गया है। इस फिल्म को हम कामयाब भी कह सकते हैं और ये फिल्म जब जब भी दोबारा रिलीज हुई कामयाब गई। मोहब्बत और दोस्ती के बाद एक और फिल्म आती है, गामा भी है। जी हाँ, ये मनोज अरिफ की टाइटल वाली फिल्म थी, इसी टाइटल को लेकर इंडिया में फिल्म बनाई गई थी, मुन्ना भाई MBBS। इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे। गामा भी है के बाद हम आते हैं फिल्म धड़कन। जी हाँ, धड़कन मोहम्मद अली, जेबा, शाहिद, निशो की फिल्म थी। ये एक आम सी घरेलू फिल्म थी। इस फिल्म में कुमार साहब भी खुद थे और इसका बेटा हफीज इस फिल्म के डायरेक्टर थे। इस फिल्म में कोशिश उन्होंने की थी कि ये फिल्म तौबा और ईद मुबारक जैसी फिल्म साबित हो, लेकिन वो कहानी वही थी कि एक फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म ज़्यादा कामयाबी हासिल ना कर सकी। उसकी वजह ये थी कि इसमें दो तीन वल्गर किस्म के गाने थे, रंगत गुलाबी, चेहरा किताबी, शायद और निशो पे पिक्चराइज हुआ और दो तीन गाने इस किस्म के थे, तो ये फिल्म इतनी कामयाबी हासिल ना कर सकी। अब हम आते हैं 1976 की उस फिल्म की तरफ, जी हाँ, जिसे हम ये कह सकते हैं कि शायद कि सारी फिल्मों को एक साइड में रख दो, एक ही फिल्म काफ़ी है, वो है नजर आर्ट प्रोडक्शन की शबाना। शराब पीने से पहले ही तुमने ये भी नहीं सोचा कि हमारा बाप क्या था और बड़ा भाई क्या है? ये तो मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ कि मेरा बाप क्या था और बड़ा भाई क्या है। जी हाँ, इस फिल्म का टाइटल रोल किया था बाबर शरीफ ने, डबल रोल था, लेकिन इस फिल्म में वहीद मुराद और शायद भी फन की बुलंदियों पर नजर आए। वहीद मुराद पर जो तीन गाने पिक्चराइज हुए थे, बेवफा कौन है, कौन अरजाई है, तेरे सिवा दुनिया में
कुछ भी नहीं। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत, वही बात ने इन तीनों गानों में खुल कर अदाकारी की थी। मैं तो कहता हूँ कि मुझे खुद बताते खुद इस फिल्म में वजमरत की अदाकारी इतनी अच्छी लगी। हालांकि शायद भी इस फिल्म में शायद ने अवार्ड हासिल किया, मेरे पसंदीदा हीरो शायद हैं, लेकिन वजमरत भी मेरे पसंदीदा हीरोज में हैं। इस फिल्म में टाइटल रोल तो गो के बाबर शरीफ ने किया और वाकई उस बाबर शरीफ ने टाइटल रोल निभाया, लेकिन शायद वो वजमरत भी फन की बुलंदियों पर नजर आए। नहीं तो और क्या था, ये लो 5,000 रुपए के नोट, इसे तुम तलाकनामा भी समझ सकती हो और आज के बाद मेरी तरफ से आजाद हूँ। इस फिल्म में मेडिसन को तेरे सिवा दुनिया में गाने पे अवार्ड मिला और इसके अलावा शायद ने एज ए हीरो इस फिल्म में निगार अवार्ड हासिल किया और मसवर अवार्ड हासिल किया और अवार्डों के सुनो दरवाजे पहली बार शायद पे खुल गए फिल्म शबाना से। और शबाना शायद की ज़िंदगी से काफ़ी मिलती जुलती स्टोरी थी और जैसे शायद को अदा करने में कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई। जी नाजरीन, जैसा कि मैंने कहा ना कि शबाना ही को हम रख लें 1976 की फिल्मों में, बाकी फिल्मों को एक साइड में रख लें तो कोई मुजायका नहीं। शबाना के बाद एक और इसी किस्म की पंजाबी फिल्म जिंदाबाद रिलीज हुई और जिंदाबाद के बाद एक फिल्म बहुत खूबसूरत फिल्म जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन इसकी स्टोरी में वो जान नहीं थी, वो फिल्म थी ज़रूरत या हसन तारिक की पिल तसलसल दीदार सूर्य भोपाली और ज़रूरत। ज़रूरत फिल्म कोई ख़ास उसने कामयाबी हासिल ना कर सकी, हालांकि ये आवामी दौर की फिल्म थी। प्यासा की कहानी को दोबारा हसन तारिक ने कैश कराना चाहा। मैं पूछता हूँ रशीदा कहाँ है, क्या पक्के हो, किस रशीदा की बात करते हो जिसे आपने अपने घूंटों के जरिए अगवा किया है? अगवा मैंने किया है तो यहाँ क्या लेने आए हो, पुलिस को इत्तला दो। लेकिन वैशी नावल की जो कहानी थी उसको अली सुफियान आफाकी ने आज में जो पिक्चराइज किया, हालांकि हसन तारिक ने बार बार कोशिश की कि उससे बेहतर फिल्म बना सको, लेकिन उससे बेहतर फिल्म ना बना सके। अब तो कुछ याद कर खुदा के लिए, रंग झड़ जाएंगे सदा के लिए। जरूरत के बाद अब हम आते हैं 1976 की लास्ट जो फिल्म है वो है पूल और शोले। जी हाँ, पूल और शोले मोहम्मद अली ज़ेबा आसिफ खान और यूसुफ खान की फिल्म थी और मुझे याद पड़ता जब इस फिल्म का इश्तार आता था कि पहली बार 4 हीरो एक साथ है और शायद को भी बड़ा चढ़ा के पेश किया और मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि इस फिल्म में अब देखिए यूसुफ खान भी है, मोहम्मद अली भी है और आसिफ खान भी है, जिन 3 एक्शन हीरो के साथ शायद का किरदार कैसा होगा। लेकिन फिल्म जाके देखी तो शायद का मेहमान रोल। एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे मालूम हो जाना चाहिए का कत्ल किसने किया है। और ये फिल्म ये समझ लो कि ज़ेबा की फिल्म थी, ज़ेबा ने इसमें तांगे बान का किरदार अदा किया था और इस फिल्म में नाजिद अख्तर का एक गाना है, टॉडी ऐसी तैसी गुंडियो डजन बिजन टा। जी हाँ नाजरीन, इस पूल और शोले के साथ ही, लेकिन एक और मैं जिक्र करूँ पूल और शोले का जो एक गाना है जो मेरी पसंद का गाना है, मेजियसन और नाजिद अख्तर ने अलग अलग गाया था इस फिल्म के, बोलते अच्छी बात कहो अच्छी बात सुनो अच्छाई करो, चाहे ये दुनिया बुराई करे तुम ना बुराई करो, दुख जो औरों के लेते हैं मर के भी जिंदा रहते हैं, प्यार से तुम सबको अपना लो दुश्मन को भी दोस्त बना लो। एक खूबसूरत गाने के साथ खूबसूरत शायरी के साथ वली रईस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।